आपका स्वागत है गांगुली टेक पर और मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको सी में सर्च का प्रोग्राम कैसे बनाना है और इसमें जो सर्च की हम टेक्निक यूज करने वाले हैं इसको लीनियर सर्च भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक एरे होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और उन हर एक एलिमेंट्स को हम लेंगे और अपने आइटम से चेक करेंगे क्या वो उसके बराबर है। अगर वो उसके बराबर तो इसका मतलब जो हमारा आइटम है और जो हमारे लिस्ट में जो एलिमेंट हो दोनों मैच कर गए तो हमारा सर्च सक्सेसफुल हो गया, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा सर्च अनसक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से एक सर्च डॉट सी करके एक फाइल बना के रखा है कोड ब्लॉक्स में, उसमें मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। यहाँ हमारा मेन फंक्शन है और उसके अंदर सबसे पहले मैंने एक इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया जिसका नाम मैंने लिस्ट रखा है और इसमें कुछ हमने ये नंबर स्टोर करा दिए। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने एट इंडेक्स रखा है और उसकी इनिशियली वैल्यू मैंने -1 रखी है। और मैंने ऐसा क्यों रखा है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और जो एट इंडेक्स है इसमें ये होगा कि अगर हमारा आइटम जो है वो लिस्ट में जो है मिल जाता है तो लिस्ट के कौन से इंडेक्स वैल्यू पर जो है हमको ये वैल्यू मिली है, आइटम हमारा फाउंड हुआ है, वो जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो एट इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका तो जो एट इंडेक्स की वैल्यू -1 ही रहेगी। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने आई रखा है और उसका यूज़ मैं फॉर लूप में करूँगा, ये हमारा काउंटर वेरिएबल है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने लिस्ट साइज रखा है और ये लिस्ट साइज जो है मैंने =5 रखा है और ये बराबर ही आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उनके से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये 5 टोटल एलिमेंट्स है। आप चाहे तो यूज़र से इस लिस्ट पर इनपुट ले सकते हैं लेकिन मैं आपको इस वीडियो में वो नहीं करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको सीधे सीधे मैंने यहाँ पे एक जो है आपका एरे बना दिया जिसका नाम मैंने लिस्ट रखा और मैं इसको लिस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, इसलिए आप इसको लिस्ट भी कह सकते हैं। तो अब जो है हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक अपना फॉर लूप बनाया i=0 आई जब तक जो है छोटा है आपका लिस्ट साइज से। मैंने एक लिस्ट साइज वाला जो है वेरिएबल यूज किया और उसके बाद में मैंने इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगाया, उसमें मैंने चेक किया जो आइटम है वो क्या बराबर है आपके लिस्ट के मतलब एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, हमें एट इंडेक्स की जो है वैल्यू जो है वो सेट कर देनी है हमारे इंडेक्स की वैल्यू। और यहाँ पर जो आई आपका है वो आपका है इंडेक्स वैल्यू को मतलब स्टोर किया है। फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आपका जो एलिमेंट लिस्ट में एक्सेस होगा वो आपका पहला वाला होगा, जब सेकंड टाइम चलेगा तो वो ये वाला हो जाएगा। तो ये जो आपका आई है वही आपका इंडेक्स स्टोर कर रहा है। तो अगर इस आई पर जो है इस आई की जो भी वैल्यू रहेगी उस पर अगर आइटम के बराबर हो जाता लिस्ट का एलिमेंट तो ये जो आई की वैल्यू है वो एट इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम जो इस लूप को जो है ब्रेक कर देंगे ब्रेक कीवर्ड से, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लूप जो है सारे एलिमेंट्स में चेक करेगा और उसके बाद फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा। फिर हमें ये चेक करना है जो एट इंडेक्स की वैल्यू है, एट इंडेक्स की वैल्यू है बड़ी या बराबर हो 0 के। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें आइटम जो है हमारा लिस्ट में फाउंड आउट हो गया। तो हमने मैसेज में लिखाया, मैसेज में हमने लिख दिया कि आइटम और फिर परसेंटेज बी इज फाउंड एट इंडेक्स परसेंटेज डी और फिर कॉमा लगाया। पहले परसेंटेज डी हमारा ये दिखाया कौन सा आइटम था, तो वो आइटम जो था वो हमारे आइटम वेरिएबल था, तो हमने यहाँ पे जो है आपका आइटम लिख दिया, कॉमा लगाया, उसके बाद एट इंडेक्स लिख दिया क्योंकि हमको इंडेक्स बताना था कौन से इंडेक्स पे मिला। तो ये हो गया। अगर एट इंडेक्स की वैल्यू जो है बड़ी या बराबर 0 के नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका आइटम जो है फाउंड हुआ ही नहीं है क्योंकि मैंने इसीलिए इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में रखी थी, क्योंकि एरे का जो फर्स्ट वेरिएबल होता है स्टार्ट होता है उसका जो इंडेक्स वैल्यू थी 0 से स्टार्ट होती है, तो इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव में रखा था। इसी को नेगेटिव में रखा था क्योंकि जब ये वैल्यू चेंज होगी तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब आइटम जो है फाउंड हो गया है। लेकिन नेगेटिव वैल्यू जो होता है आपका एरे में स्टार्ट नहीं होता, मतलब आपको किसी भी एरे के एलिमेंट का जो इंडेक्स वैल्यू है नेगेटिव में नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे नेगेटिव रखा है। तो अब अगर ऐसा मतलब ये हुआ कि एट इंडेक्स जो है बड़ा या बराबर 0 के नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट जो है वो फाउंड आउट नहीं हुआ। तो हमने इसके लिए एल्स का यूज़ किया यहाँ पर, फिर हमने प्रिंट एफ मैसेज दिखा दिया कि आइटम परसेंटेज डी इज नॉट फाउंड और उसके बाद मैंने जो है आपका आइटम लिख दिया और ये हो गया, और फिर मैंने यहाँ पे जाके रिटर्न 0 कर दिया और ये हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया एकदम।
अब जो इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे और इसे हम रन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आइटम पे भी कोई वैल्यू सेट कर दूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ आइटम इक्वल टू मैंने 40 कर दिया, और आप देखेंगे कि हमारे लिस्ट में जो है 40 जो है हमारा इंडेक्स वैल्यू 3 पे मौजूद है, 0 1 2 3। तो हमको प्रोग्राम देख के पता चल गया कि हमारा रिजल्ट ये आना चाहिए कि ये जो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा है इसमें लिख के आना चाहिए कि आइटम 40 इज फाउंड एट इंडेक्स 3। तो देखते क्या ये होगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, फिर हमने इसे रन किया और आप देखिए आइटम 40 इज फाउंड एट इंडेक्स 3। तो ये देखिए आपने देखा कि इस तरीके से आपको जो है एलिमेंट्स में मतलब एरे में आइटम्स को सर्च करना है। अब हम इसको कोई जो है वैल्यू चेंज करके भी देख लेते हैं आइटम की, और जैसे कि मैंने 440 कर दिया, फिर मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस दबा के, फिर से मैंने इसे कंपाइल किया और फिर मैंने इसे रन किया। तो ये देखिए आपका आ गया आइटम 440 इज नॉट फाउंड, वो बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे तो एरे में जो है 440 है ही नहीं, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको सर्च का प्रोग्राम बनाना है। अब आप चाहे तो इस प्रोग्राम को जो है और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यूज़र से इस एरे पर इनपुट ले सकते हैं और फिर जो है आप इस सेम प्रोसीजर से आपको ये सर्च करना है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो इफ स्टेटमेंट यूज़ हुआ है उसमें आपको डबल इक्वल लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू चेक कर रहे हैं कि बराबर है या नहीं। यहाँ पे आप सिंगल इक्वल मत लगा दीजिएगा, कई बार लोग ऐसा कर देते हैं और फिर प्रोग्राम जो है चलता तो है लेकिन लॉजिक सही नहीं आता। तो डबल इक्वल लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे इफ जो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब हम यहाँ यूज़ करें डबल इक्वल वाला। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।